संदिग्ध आतंकी मुर्तजा के पास से कई हथियार बरामद थे। दो बांके और एक चाकू लेकर गोरक्षनाथ मंदिर में पहुंचता था मुर्तजा। सुरक्षा बलों से AK-47 छीनने के लिए गया था मुर्तजा। ये खबर निकल कर आ रही है, दो बांका और एक चाकू लेकर यह गया था। सुरक्षा बलों से इसका मंसूबा था कि AK-47 छीन ली जाए। संदिग्ध आतंकी मुर्तजा के पास से कई हथियार बरामद हुए हैं, ये और बड़ी जानकारियां निकल कर सामने आ रही। धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, बहुत सारी जानकारियां अब निकल कर सामने आएंगी। दो बांका और एक चाकू लेकर गोरक्षनाथ मंदिर में गया था ये, दिल्ली से गोरखपुर पूरा प्लान था। इंटरनेट कॉल के जरिए ब्लास्ट की कुछ पहले ये हम आपको नीचे एक डिटेल भी दिखा रहे हैं, कब कब मिली थी धमकियां, नीचे आप डिटेल भी देख सकते हैं। विशाल हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, अगर हम बात करें अब क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है, बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। बताया जा रहा है एक फोल्डर था जिसका नाम एक मेहमान था, और भी बहुत चीजें निकल कर आ रही हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पाई अब तक? देखिए, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो सामने आई हैं। खास बात यह है कि जो FIR की कॉपी है, दिल्ली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास FIR की कॉपी है, उसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि कौन कौन से हथियार उसके पास थे, और जो उसका मंसूबा था वो बिल्कुल स्पष्ट था कि वो चाकू और बांका मारकर सिपाहियों से AK-47 लेना चाह रहा था। और जिस तरह से उसके बाद एक बड़ी प्लानिंग की गई थी, क्योंकि देखिए हथियार नहीं ले आ पा रहा था, और यही वजह थी कि उसने ये सोचा कि यहीं से हथियार छीन कर उसके बाद एक बड़ी वारदात को अंजाम दे देंगे। देखिए, दिल्ली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने सबसे पहले बताया था कि उसकी जो प्लानिंग थी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी, लेकिन चूंकि ATF की रडार पर आ चुका था दो दिन पहले, तो ऐसे में उसने आनन फानन में यह स्कीम बनाई और बांका और चाकू लेकर यहां पर आया, और उसके बाद उसने इस तरह की चीजें जो है करने की कोशिश की कि वो हथियार पुलिस वालों से छीन कर उसके बाद वो फायरिंग करेगा और उसके बाद वो हमला करेगा, लेकिन वो इस सब चीजों में कामयाब नहीं हो पाया। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब एक एक करके जो तमाम चीजें हैं वो सामने निकल के आ रही हैं। उसके लैपटॉप से एक फाइल मिली है, उस फाइल में मेहमान अरबी शब्द में लिखा है, इसके साथ साथ कुछ शब्द भी लिखे गए हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो मेहमान व्यक्ति है वो उससे मिलने के लिए आने वाला था। तो उस खास मेहमान को लेकर जो जो UP ATS है वो भी चौकन्नी हो गई है। UP ATS लगातार अब इस विषय पर जो है जांच कर रही है, उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन का कोई व्यक्ति हो सकता है जो नेपाल में काफ़ी दिनों से अपना जो संगठन है वो ऑपरेट कर रहा हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे इस पूरे मामले में तमाम जो राजफास हैं वो होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन विशाल, जिस तरह पुलिस रिमांड पर भी लेगी, उसके बाद और कुछ सुराग मिल सकते हैं कि खासकर जो लोग इससे मिले थे, खबरें थी कि जो नेपाल के रास्ते से कुछ शख्स मिले थे, दो शख्स मिले थे, और इसका खुलासा उसके पिता ने भी किया था, तो उनके बारे में कुछ डिटेल अभी तक मिल पाई है? नहीं, देखिए वही दो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वही जो है व्यक्ति ऐसे थे जो नेपाल लेकर भी गए थे, क्योंकि देखिए बैग से जो करेंसी मिली है उनमें से नेपाल की करेंसी भी मिली है मुर्तजा के। तो ऐसे में एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो नेपाल गया था, मदरसों में गया था जो बॉर्डर्स पर है नेपाल के। इसके साथ साथ यही वजह है कि UP ATS और तमाम जो UP STF की जो जाँच है उसमें ये सब बातें जो हैं वो सामने निकल के आ चुकी हैं। अब ये जो व्यक्ति कौन थे, इसके मददगार कैसे थे, कब इसके संपर्क में आए, इसके बारे में पता किया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि ये दो व्यक्ति जो हैं ऐसे व्यक्ति हैं जो आतंकी संगठन से जो है ताल्लुक़ रखते थे, और यही वजह है कि अब ये जो दो व्यक्ति हैं इनके बारे में पता लगाने की कोशिश ATS और STF कर रही है। और ये बताया जा रहा है कि इन दोनों व्यक्तियों का सुराग अगर लग गया तो पूरी तरह से ये पूरा मामला जो है वो खुलता हुआ। विशाल आप बने रहे, क्योंकि हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से अजीत सिंह भी जुड़ गए। अजीत, आपके पास कुछ इस केस से जुड़ी कुछ और अपडेट है, क्योंकि बताया जा रहा है इसका मुंबई कनेक्शन भी, डी कंपनी से कनेक्शन है, उसको भी तलाशा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसने एक मेहमान नाम का फोल्डर भी बनाया, पाकिस्तान नेपाल वहां तक भी इसके कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं। अभी कोई महत्वपूर्ण सुराग लग पाया है UP ATS को? देखिए बिल्कुल JP, आपको बता दूं कि UP ATS और FTF मिलकर इसकी जांच कर रहे हैं, और जो ACS होम है उत्तर प्रदेश के 19 ऑफिस थे, उन्होंने भी जो दिल्ली में है NIA के जो बड़े अफसर हैं, क्योंकि जब देश के बाहर आपको जांच करनी होगी तो NIA का सहयोग लेना होगा, क्योंकि इसका कनेक्शन मुंबई आया और मुंबई से फिर पाकिस्तान से ISI और अब दाऊद इब्राहिम
डी गैंग का कनेक्शन सामने आ रहा है। तो लिहाजा नेपाल में जो 2006 में इंडियन मुजाहिदीन जो बंद हो चुका था इरफान के बाद, उसके बाद क्या वो संगठन फिर से जिंदा हो गया और इसमें अब्बास मुर्तजा का कितना रोल है, क्योंकि जो उसकी पेन ड्राइव है, जो उसका लैपटॉप है, जो धार्मिक पुस्तक मिली है, जो वीडियोज मिले हैं, वो बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। यही बात 1900 जो एशिया शो में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये बड़ी आतंकी घटना की साजिश थी, हालांकि इसे रोक लिया गया, लेकिन इसके पीछे के जो आका हैं उनकी तलाश करना जरूरी है, क्योंकि जो मुंबई के उसके जो फ्लैट पर जो पेन ड्राइव मिली थी उसमें जाकिर नाई का वीडियो सामने आया, उसमें चैटिंग आई है विदेश में। तो क्या पाकिस्तानी एजेंसी जो आईएसआई है, खुफिया एजेंसी वो, और दाऊद इब्राहिम जिसका कनेक्शन है, क्योंकि आईटी मुंबई जहां से ये पढ़ा है वहां भी अब जो एटीएस की टीम है, मुंबई एटीएस की टीम कुछ लोगों से बातचीत करेगी जो इसके साथ के लोग हैं कि ये पढ़ाई के दौरान किन किन लोगों से संपर्क में था, कैसी इसकी जो प्रतिक्रिया थी, किस तरह की हरकतें उस समय करता था, क्योंकि बहुत ही पढ़ा लिखा और साथी रहे अब्बास मुर्तजा। हालांकि बिल्कुल अजीत आप बने रहिएगा, एक बड़ी खबर और हमें बड़ी जानकारी मिल रही है मुर्तजा से जुड़ी, आप बने रहिए, विशाल भी हमारे साथ बने हुए। एक बड़ी खबर है मुर्तजा के विदेशी कनेक्शन की जांच में जुटी है एजेंसियां, यूपीएसटीएफ और एटीएस कर रही है विदेशी कनेक्शन की जांच। बड़े अधिकारियों ने एनआईए से भी संपर्क किया है, जिस तरह हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि एनआईए से भी संपर्क किया जा रहा है। नेपाल पाकिस्तान के कनेक्शन की भी हो रही जांच, डी कनेक्शन की भी जांच में जुटी है एजेंसियां। ये बड़ी खबर जिस तरह हम बता रहे हैं कि इसके बाहरी कनेक्शन हैं, विदेशी कनेक्शन की ही तलाश की जा रही है। क्या इसके पीछे कोई विदेशी ताकतें हैं, कोई आतंकी संगठन है और किस तरह उसने इसको पूरी तरह ऑपरेट किया? अजीत हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे थे कि एनआईए से भी संपर्क साधा जा रहा है, मदद ली जाएगी, इसका मतलब यानी कुछ ना कुछ जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे यूपीएसटीएफ और एटीएस को, यानी कुछ ना कुछ सबूत ऐसे मिले हैं इसलिए एनआईए की मदद ली जा रही है अब? देखिए बिल्कुल, क्योंकि उसकी जो चैटिंग है, जो उसके वीडियोज हैं, जो उसके लैपटॉप का जो पासवर्ड था जिसको हैक किया गया, जो उसको एक ऐप मिला है मोबाइल के अंदर, उसके जरिए बहुत कुछ यूपी एटीएस और एफटीएफ को पता चल गया। तो अब बात इसकी बनती है कि विदेशी कनेक्शन की जांच कैसे होगी, इसके लिए एनआईए को आपको इन्वॉल्व करना होगा। एनआईए चूंकि बड़ी जाँच एजेंसी है, उसका विदेशों में अपना एक नेटवर्क होता है, तो उसके जरिए जाँच होगी। पाकिस्तान का बात आ रही, डी गैंग की बात आ रही, और डी गैंग नेपाल से लेकर, आपने देखा होगा इसके पहले, नेपाल से लेकर कश्मीर तक और दुबई से लेकर बंगाल तक सब जगह डी गैंग का अपना एक रसूख है, अपने तरीके से उनके लोग काम करते हैं। तो क्या अब्बास मुर्तजा डी गैंग के संपर्क में आया था, इसलिए उसने मुंबई में फ्लैट बेच दिया, किराए पर रहने लगा, फिर गोरखपुर आ गया, नेपाल गया, कश्मीर में आपको याद होगा बुरहान वानी, वो भी बहुत पढ़ा लिखा एक डॉक्टर था। अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ कि जो आतंकी घटनाओं में जिनको शामिल किया जा रहा है, जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जो लोग जिहाद करते हैं जेपी, वो पढ़े लिखे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। यानी पढ़े लिखे लोगों को अगर टारगेट करेंगे तो अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और आपको याद होगा कि सबसे पहले तालिबान ने मॉड्यूल को अपनाया था जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका पर हमला हुआ था, तो ट्रेन पायलटों के जरिए, ट्रेन इंजीनियरों के जरिए अटैक कराया गया था। तो कहीं ना कहीं क्या बड़ी साजिश है इसके पीछे, इस बात की भी जांच करें। और इसीलिए सरकार ने कहा कि आतंकी साजिश है, बड़ी घटना है, अयोध्या काशी मथुरा सब जगह अलर्ट है, लखनऊ में भी लोक भवन की जो सुरक्षा, मुख्यमंत्री आवास की जो सुरक्षा, सघन चेकिंग अभियान किया जा रहा है, हमने उसका रियलिटी चेक भी किया। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है जयप्रकाश की बड़ी घटना, और घटना के पीछे मास्टर माइंड कौन है, इस जो अब्बास मुर्तजा इसको हैंडल कौन कर रहा है, इसका हैंडलर कौन है, क्या वो पाकिस्तान में बैठा है, दुबई में बैठा है, या फिर नेपाल में बैठा है, इन सब बिंदुओं की जांच की जा रही है और इसीलिए एनआईए से बात की जा रही है जीपी। बिल्कुल अजीत आप बने रहिए, विशाल भी हमारे साथ है। विशाल एक सवाल है, क्योंकि आप गोरखपुर में हैं, तो क्या गोरखपुर में आपकी किसी पुलिस अधिकारियों से कोई बात हुई या कोई अंदर खाने खबर निकल पाई विशाल? क्योंकि एक बड़ा सवाल यह है कि ये हालांकि क्योंकि यहां पर सीएम योगी रुकते हैं और ये पहले से यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं, तो विशाल कोई जानकारी, क्या इनपुट्स इस तरह के थे क्या पुलिस के पास? नहीं देखिए, अभी फिलहाल पुलिस के पास ऐसा कोई भी इनपुट जो है जो था उसको लेकर उन्होंने कोई भी बयान जारी नहीं किया, क्योंकि देखिए मामला बहुत बड़ा है, ऐसे में शायद यही वजह है कि अधिकारी इस पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। लेकिन आपको एक अपडेट दे देता हूं कि ये जो हमला हुआ है, ये हमला शायद बाद में होने वाला था, अब ये कब का तारीख है ये बिल्कुल नहीं पता है। लेकिन अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी कल जो है गोरखपुर नहीं आना था, जो उनका कार्यक्रम था वो 3 दिन के बाद का था, यहाँ पर भव्य कार्यक्रम किया जा रहा था, चूँकि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वो यहाँ पर आ रहे थे। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ, चूँकि देखिए सरकार बनने के बाद जरूर आए थे, यहाँ पर होली हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद वो यहाँ पर आने वाले थे, तो यहाँ पर एक भव्य जुलूस निकलना था, भव्य कार्यक्रम होना था। तो क्या ये देखिए ये एक संशय है कि क्या उसी दिन की प्लानिंग थी
और इसके साथ साथ क्या एटीएस की रडार पर आ गया था इसलिए उसने जल्दीबाजी में ये फैसला लिया, ये सब तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो है फिलहाल तलाशे जा रहे हैं। लगातार जांच एजेंसी पूछताछ कर रही हैं, मुर्तजा से पूछताछ कर रही है। एक अपडेट आपको और दे देता हूँ कि तीन डॉक्टर्स की जो टीम थी, जो मेंटल जो स्टेटस है वो पता लगाने के लिए गई थी और उन्होंने जो है उससे बातचीत की है। फिलहाल उसकी रिपोर्ट का इंतजार है, शाम तक ये रिपोर्ट भी आ जाएगी कि वो मेडिकली फिट है या अनफिट है, सिर्फ गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन सवालों के जवाब वो लगातार उससे पूछे जा रहे हैं, कुछ सवालों पर वो जवाब दे रहा है, कुछ सवालों पर वो भिदक जा रहा है। लेकिन जो एक उसका रवैया है वो बहुत क्लियर है कि एक शातिर ट्रेंड जो है अपराधी की तरह या आतंकवादी की तरह वो बिहेव कर रहा है और उसको ये पता है कि उसको वही इन्फॉर्मेशन देनी है जो उसके आकाओं की तरफ से इशारा किया गया है। तो ऐसे में फिलहाल मुर्तजा को लेकर अब जो जानकारी सामने आ रही है वो यही है कि इस पूरे मामले में अभी और जांच चलेगी, जांच होने के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखना होगा। बिल्कुल विशाल, बने रहेगा अजीत। अजीत विशाल एक बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि सीएम योगी को शपथ लेने के बाद सीएम योगी गोरखपुर आते हैं और एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी थी और ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी प्लान हो सकता है, ये भी एक बड़ा बिंदु हो सकता है। देखिए बिल्कुल इस बिंदु पर जांच भी की जा रही है, लेकिन सबसे पहले अपडेट बता दूं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आवास पर आ चुके हैं, ठीक सामने मुख्यमंत्री आवास पर वो थोड़ी देर पहले चौपर से उतरे हैं, वो पहुंच चुके हैं और अधिकारी उन्हें यहां ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। एससीएस होम के अलावा कई सारे अधिकारी पहुंचे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। हालांकि 4:30 बजे से 6 बजे तक लोकभवन में बैठक उसमें शामिल होंगे, लेकिन सीएम लखनऊ आ चुके हैं। सीएम लखनऊ आ चुके हैं अजीत, हमारे साथ बता रहे हैं इस बीच।